गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 2 भोजन के घटक। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो भोजन हम खाते हैं वो उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और वो भोजन हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए या क्षतिग्रस्त भागों की देखरेख के लिए काम में आता है। तो जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन हमें पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में कि जो हमारा भारत देश है इसके विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन या पकवान बनाए जाते हैं। जैसे राजस्थान है, उसमें दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है। दाल में कोई सी भी दाल ले लो, या सब्जी में भिंडी आलू कोई सी सब्जी ले सकते हैं, या अन्य व्यंजन में हम खाते हैं दही है, घी है या अचार आदि। उसी प्रकार जैसे हम पंजाब में देखें तो उसमें क्या बनाया जाता है कि उसमें मक्के की रोटी बनाई जाती है, सब्जी में सरसों का साग बनाया जाता है, दाल में राजमा की दाल बनाई जाती है, या अन्य व्यंजन में दही है, मट्ठा, या अलग अलग काम में लिया जाता है। तो जो भारत के विभिन्न भाग है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के काम में लिए जाते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में कि जो हम व्यंजन खाते हैं उसमें होते हैं भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। जो सारे भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं पोषक। ये सारे भाग पोषक कहलाते हैं, जिसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ये पोषक कहलाते हैं पोषक पदार्थ। और अन्य भाग में होता है तो रुक्षांश, जिसको बोलते हैं आहारी रेशे, और दूसरा होता है जल, आहारी रेशे, और ये होता है जल। ये सारे ये कहलाते हैं पोषक पदार्थ, जिनको हम भोजन के रूप में जो आवश्यक अवयव होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो भी भोजन हम खाते हैं वो भोजन जो भी होता है वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बनाया जाता है। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो वो आटे से या उससे बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है तो भी सब्जी या और अन्य पदार्थ का उपयोग में लिया जाता है। तो जो भी भोजन हम खाते हैं वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री या संघटक से बनाए जाते हैं, जिसमें ये पोषक पदार्थ पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं, अब जो पोषक पदार्थ हम खाने के काम में लिए जाते हैं उनमें कई में एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो पोषक पदार्थ हम खाते हैं उनमें कौन कौन से जो भोजन हम खाते हैं उनमें कौन कौन से पोषक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थों के परीक्षण की विधियाँ। सबसे पहले उन परीक्षण के लिए हमें चाहिए आयोडीन, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, और कास्टिक सोडा। आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग अपन पोषक पदार्थों के परीक्षण के लिए करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आयोडीन का विलयन। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उस परख नली को आधा जल से भरेंगे। अब इसमें 2-3 बूंदे टिंचर आयोडीन की डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने परख नली ली, परख नली को आधा जल से भरा और उसमें 2-3 बूंदे हम टिंचर आयोडीन विलयन के डालते हैं, तो यहाँ पर हमें आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त होता है।
आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम एक आलू लेंगे, आलू को दो भागों में काटेंगे, दो भागों में काटेंगे और ड्रोपर की सहायता से उसके ऊपर हम जब तनु आयोडीन विलयन गिराते हैं, अगर विलयन का रंग काला या नीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसकी जगह हम ले सकते हैं जैसे उबले हुए चावल है, उबले हुए चावल को परख नली में लेंगे और उसको परख नली में लेकर उस पर क्या डालेंगे, दो तीन बूंदे आयोडीन विलयन की डालते हैं। अगर विलयन का रंग काला या नीला हो जाता है तो उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यह है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, इसको हम करते हैं आयोडीन के तनु विलयन से। अगर परीक्षण में विलयन का रंग काला या नीला हो जाता है तो उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। अब हम करेंगे प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। सबसे पहले एक परख नली लेंगे, उस परख नली में लेंगे 100 ml जल लेंगे। दो ग्राम लेंगे कॉपर सल्फेट, सबसे पहले परख नली लेंगे, परख नली में 100 ml जल लेंगे और उसमें डालेंगे 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का पाउडर होता है उसको इस परख नली में घोलेंगे तो हमें जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। उसके बाद हमें चाहिए कास्टिक सोडा, एक परख नली लेंगे, उस परख नली में लेंगे 100 ml जल और 10 ग्राम कास्टिक सोडा। 100 ml हमने जल लिया, उसमें क्या 10 ग्राम कास्टिक सोडे का पाउडर हमने पाउडर डाल दिया और इसको हिलाकर हम परख नली को वहां पे रख देते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडे का विलयन प्राप्त होता है। अब इसका प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए अगर कोई ठोस पदार्थ है जैसे मूंग की दाल है या कोई दाल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बारीक पीस लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे परख नली हमने ली, उस परख नली में मूंग दाल का मिश्रण लिया जिसको पहले बारीक पीस लिया और उसको पानी में डालकर और कुछ देर के लिए स्थिर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 बूंद डालेंगे कॉपर सल्फेट की, दो बूंद कॉपर सल्फेट की प्लस 10 बूंद कास्टिक सोडा। परख नली हमने ली, परख नली में दाल ली और दाल के बाद उसको उसमें पानी डालकर उसका लिक्विड विलयन, उसका जलीय विलयन बनाया अगर पदार्थ ठोस है तो। उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें 2 बूंद तो डालेंगे कॉपर सल्फेट विलयन प्लस 10 बूंद डालेंगे कास्टिक सोडे का विलयन, इसमें डाल के कुछ देर के लिए रखते हैं। अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। विलयन का रंग बैंगनी होने पर हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन का परीक्षण है या इस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो प्रोटीन का परीक्षण के लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडे का विलयन। तीसरा परीक्षण है वसा। वसा के परीक्षण के लिए सबसे पहले जैसे हम मूंगफली के दाने लेंगे और उसको कागज में डालकर उसको अच्छे से कूट लेंगे। डालने के बाद सामग्री को हटाकर हम देखते हैं कि अगर उसमें हमें तेल के धब्बे दिखाई देते
उस कागज से हम क्या है लाइट प्रकाश की तरफ देखते हैं, अगर हमें धुंधला दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उसमें वसा उपस्थित है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गीला है तो आप उसको सुखा सकते हो पंखे की सहायता में। फिर भी अगर आपको उसमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो उस पदार्थ में क्या उपस्थित है, वसा। जो जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं, मूंगफली है या ये, उनमें वसा पाई जाती है। तो आज हमने तीनों परीक्षण पढ़े, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जिसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, उसमें विलयन का रंग हो जाता है काला या नीला। दूसरा हमने पढ़ा प्रोटीन का परीक्षण जिसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है, इसमें विलयन का रंग हो जाता है बैंगनी। और तीसरा हमने पढ़ा वसा के बारे में, तो जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है। और चिकने पदार्थ से को प्रकाश को देखने पर प्रकाश की मात्रा में धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो जो वसा जो चिकने पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है। धन्यवाद।